हाय, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 19 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देख लो, क्वेश्चन नंबर 1A। ठीक है, तो 1A क्या है? फ्रॉम द फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, एक फिगर गिवन है, फिगर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है पी ओ एम, यहाँ पे है थीटा। तो पी एम क्या होगा? ये वाला होगा हाइट और परपेंडिकुलर, ओ एम होगा बेस, और ओ पी होगा हाइपोटेन्यूज। तो ओ पी का वैल्यू गिवन है, ओ पी का वैल्यू है 15 एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया नहीं है, कैलकुलेट करना होगा। बेस है 12। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को पता है क्या होता है। सो 8² इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो क्या होगा? एच है 15, 15 का स्क्वायर, बेस 12 है, 12 का स्क्वायर पी स्क्वायर। तो पी इक्वल टू क्या होगा? देखो, पी इक्वल टू होगा रूट ओवर ऑफ 15² माइनस 12² तो 15² क्या होता है? सभी को पता है 225 माइनस 144, माइनस करेंगे तो आएगा रूट ओवर 81, दैट इज इक्वल टू 9। सो पी मिल गया हम लोगों को 9। ठीक है, सो हो गया। अब साइन थीटा क्या होगा? देखो, पहले हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा नीचे आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा, फिर आएगा कॉट थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, फाइनली कोसेक थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हम सभी को पता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो होगा 9/15। कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 12/15। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो होगा 9/12। कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा है टेन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, सो आएगा 12/9। सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, आएगा 15/12। कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा होगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, होगा 15/9। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए कॉस ए, सबका वैल्यू निकालना होगा। फिगर टू, ये वाला था फिगर वन, ये था फिगर वन। अब फिगर टू भी गिवन है, फिगर टू से हम लोगों को पार्ट टू करना। फिगर टू क्या गिवन है? फिगर टू कुछ ऐसा दिखता, ट्रायंगल है, ये वाला फिगर टू है। ठीक है, सो ए सी बी ये गिवन है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, ये होगा 5, ये है 12। तो हम लोग हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना होगा। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है एच क्या होगा। सो ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये हो जाएगा बेस, थीटा का ऑपोजिट में होता है परपेंडिकुलर। सो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सो आएगा 12² प्लस 5². सो 12² क्या होता है बोलो? 144 प्लस 5² होगा 25। तो एच इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ दिस। सो फाइनली एच क्या मिला हम लोगों को? देखो, एच मिल गया रूट ओवर ऑफ 169, आएगा 13। ठीक है, सो एच मिल गया हम लोगों को 13। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या कैलकुलेट करने बोला है? कैलकुलेट था साइन ए, पहले वाला साइन ए। साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या था? 5/13। नंबर टू,
नंबर टू है कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा की जगह पे है कब क्या है, कॉस ए, कॉस ए, ये थीटा इक्वल टू ए है अभी, ठीक है। अब कॉस ए क्या होगा, कॉस होगा बेस मतलब 12 ओवर हाइपोटेनस मतलब 13। अब हमको चेक करना होगा, मतलब कैलकुलेट करना होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए क्या होगा, 15 ओवर 13 का स्क्वायर कर दो प्लस 12 ओवर 13 इसका भी होल स्क्वायर कर दो, बहुत ही इजी है। 5 का स्क्वायर करने से मिलेगा 25, 13 का मिलेगा 169, इसको आएगा 144, नीचे आएगा 169, सो एलसीएम हो गया 169, ऊपर आएगा 25 प्लस 144, सो ऐड करने के बाद आएगा 169 ओवर 169, काटाकुटी कर दो, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1 आंसर, ठीक है। आप नंबर 4 क्या गिवन है, अच्छा सर्कल को, ट्रायंगल को इधर रख लेते हैं, तो नंबर 4 का गिवन है, देखो नंबर 4 है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्या होगा देखो sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर ये होगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस मतलब 13 डिवाइडेड 12 का होल स्क्वायर माइनस टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 5 बाई 12 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 13 स्क्वायर क्या होता है, 13 स्क्वायर होता है 169 ओवर 144 माइनस 25 ओवर 144। अब नीचे आ गया 144, ऊपर आ गया 169 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू होगा 144 ओवर 144, तो काटाकुटी कर दो, इसका भी रिजल्ट आ जाएगा 1, ठीक है, हो गया नंबर 1। अब हम लोग नंबर 2 करेंगे, तो इसको इरेज कर देता हूँ। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फिगर 1 इन गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन बी कॉस सी साइन बी प्लस सी साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी, ठीक है कर लेते हैं, बहुत इजी है। पहले तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ए सी यहाँ पे है बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए होगा राइट एंगल 90 डिग्री, बी सी है 10, ए बी है 6, ए सी कैलकुलेट करना होगा। अब देखो ए सी तो निकल जाएगा क्योंकि 90 के ऑपोजिट में क्या होता है, होता है हाइपोटेन्यूज एच, तो एक होगा बेस एक होगा परपेंडिकुलर, तो इसको दे दिया एक्स अननोन, तो इजी कैलकुलेट हो जाएगा। सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 10 स्क्वायर क्या होता है 100, 6 स्क्वायर होगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर ऑफ 100 माइनस 36, तो आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 64 मतलब 8, ठीक है। तो एक्स क्या निकल गया, एक्स 8 हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना होगा साइन बी कॉस सी, पहले वाला आएगा 2 का ए पहला नंबर, साइन बी दूसरे नंबर पे आएगा कॉस सी। साइन बी क्या होगा, साइन बी मतलब इसके एंगल के अगेंस्ट में क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो साइन क्या होगा परपेंडिकुलर मतलब 8 बाई 10। अब कॉस सी क्या होगा, इसके अगेंस्ट में बेस क्या होगा, ये वाला बेस हो जाएगा, तो
अब हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये हो जाएगा 10, साइन बी कॉस सी निकल गया। अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी प्लस सी क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, 8/10, अब आएगा 8/10, तो नीचे में 10, 8 प्लस 8 आ गया 16/10, तो जो काटाकुटी कर दो आ जाएगा 5, ऊपर में आ जाएगा 8, तो आ जाएगा 8/5, ठीक है ना, ये वाला आंसर। ओके, तो नंबर फोर क्या है, नंबर फोर है साइन बी कॉस सी, साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी। तो साइन बी क्या होगा पता है, 8/10, कॉस सी होगा 8/10। अब साइन सी क्या होगा, साइन इसके अगेंस्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, देखो इसके अगेंस्ट में परपेंडिकुलर होगा 6, और हाइपोटेन्यूज से 10 ही रहेगा। कॉस बी इसके अगेंस्ट में बेस क्या होगा, बेस होगा 6, अब नीचे में हाइपोटेन्यूज से 10 ही रह जाएगा। तो फाइनली क्या मिला, 64/100 प्लस 36/100, तो क्या मिला, 100 LCM, 64 प्लस 36, 100/100, काटाकुटी कर दो 1 आंसर। ठीक है, नंबर टू में पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ कर लेता हूं, मतलब नंबर बी करने के लिए 2B, ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा। यह डी पॉइंट, यह सी, ऊपर में है ए, इधर है बी, यह है वाई, यह 90 डिग्री, ये वाला होगा एक्स, इधर आएगा 13, नीचे आएगा 5, ठीक है। अब कैलकुलेट क्या करना है, देखो कैलकुलेट करना है 10x, 10x क्या होगा। अच्छा पहले देख लेते, ये 13 है, ये 5 है, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, इस ट्रायंगल को लेकर, इस ट्रायंगल का ये वाला होगा हाइपोटेन्यूज, इसके अपोजिट में क्या होगा, एंगल का अपोजिट में होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड ये वाला होगा बेस, बेस पता नहीं, बेस को दे दिया बी, सो बी क्या होगा, बी दे निकल जाएगा 13² - 5² का ऊपर रूट आएगा 12, ठीक है, अब बी 12 निकल गया। अब हमको कैलकुलेट करना है 10x, 10x क्या होगा, 10x होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब आएगा 5/12, ओके। एंड नेक्स्ट नंबर टू, कॉस वाई क्या होगा, कॉस वाई होगा इसके अगेंस्ट में, देखो ये वाला टोटल गिवन है बड़ा वाला, ये है 21, तो ये वाला क्या होगा, 21 - 5, 21 - 5 क्या होता है, तो 16, ये छोटा होगा 16, ये ऊपर में है 12, तो ये में क्या आएगा, इधर आएगा रूट ओवर ऑफ 16² + 12², मतलब आएगा रूट ओवर ऑफ 400, मतलब 20, तो क्या निकला 20। तो कॉस बी क्या होगा, बेस, बेस होता है 16 और हाइपोटेन्यूस होगा 20, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थ्री क्या है, cosec² y - cot² y, सो cosec² y क्या है, इधर देखो cosec² y, cosec मतलब क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, मतलब 20
भाई परपेंडिकुलर है 12, इसका होल स्क्वायर कॉट क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर 12, 16 बाय 12 का होल स्क्वायर। बहुत इजी है ये, 12 का स्क्वायर ले लिया तो 144 एलसीएम भी कर लिया, तो 400 माइनस 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256, तो आएगा 144 ओवर 144, काटाकुटी होने के बाद आंसर आएगा 1। ठीक है, अब नंबर 4, नंबर 4 यहां पे कर लेते हूं। नंबर 4 क्या है, 5 ओवर साइन एक्स प्लस 3 ओवर साइन वाई माइनस 3 कॉट वाई। बहुत इजी है, फाइव ओवर साइन एक्स, साइन एक्स क्या होगा बोलो, इस एंगल को लेकर, मतलब एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी को लेकर, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ए डी सी, इसको लेकर हम लोग बनाएंगे, तो क्या होगा देखो, साइन एक्स होगा परपेंडिकुलर, मतलब फाइव ओवर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब आएगा नीचे 13, पेज को बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, प्लस 3। अब साइन वाई क्या होगा, डायग्राम को नीचे ले लेता हूँ, साइन वाई मतलब ए डी सी ट्रायंगल, साइन वाई क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब 12 ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 20, तो 12 ओवर 20 आ गया, माइनस कॉट वाई 3, कॉट क्या होता है, कॉट वाई मतलब एडीसी ट्रायंगल के से वाई से वाई एंगल को लेकर हम लोग अगर कॉट निकालेंगे तो क्या होगा, 16 ओवर 12 मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, तो क्या होगा इधर 5 बाय 5, इसके ऊपर 13 आ जाएगा, 3 ओवर 12 ओवर ऊपर 20 आ जाएगा, 316 क्या होता है 48 ओवर 12 आ जाएगा। अब काटाकुटी कर लो, 12 से 43 45 से ऊपर आ गया 13, इधर आ गया 33 भी कट गया प्लस 5, इधर आ गया 4 12 से 48 माइनस 4, तो 13 प्लस 5 होगा 18, 18 माइनस 4 14 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3 पहले तो फिगर देख लेता हूं, फिगर क्या है ड्राइंग कर लेता हूं, यहां पर एक ट्रायंगल है ऐसा, एक्सटेंड कर दो, दोनों को ज्वाइन कर दो, ये है 4 इधर है 12, ये है वाई एक्स नीचे में है 3। ठीक है, तो अब जिस जिस पोर्शन को कैलकुलेट करना है हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये अगर 3 होगा ये 4 है तो बहुत इजी है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट आएगा 25, तो फाइनली आएगा 5। ठीक है ना, अब देखो 12 है या 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का रूट, क्योंकि हाइपोटेनस है यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस कुछ ना कुछ तो होगा, एंगल का ऑपोजिट में है तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो क्या होगा 144 माइनस 16, ठीक है, सो 144 माइनस 16 क्या होगा रूट ओवर ऑफ 128। अब तो ड्राइंग हो गया, तो पहले निकालना होगा साइन एक्स, साइन एक्स क्या होगा देखो,
पहले लिख लेता हूँ, फर्स्ट नंबर पे है साइन एक्स, सेकंड में है कॉट एक्स, साइन एक्स सेकंड में है कॉट एक्स, थर्ड में है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फोर्थ में है सेक वाई, और फिफ्थ में है टेन स्क्वायर वाई माइनस वन ओवर कॉस स्क्वायर वाई। पहले साइन एक्स निकाल लेते हैं, साइन एक्स क्या होगा, तो ईस्ट एंगल को फॉलो करके बोलो साइन एक्स क्या होगा। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब आएगा 4/5। कॉट एक्स क्या होगा, कॉट एक्स बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब 3/4। अब देखो कॉट एक्स 3/4 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, 5/4 का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल, मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो बहुत इजी होगा। तो नीचे आएगा 16 एलसीएम, 4 स्क्वायर कर देना, स्टेप जंप किया ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा, बहुत इजी है। 9 माइनस इधर आ जाएगा 25, 10 आंसर तो माइनस में आ गया, तो आ गया माइनस 16 ओवर प्लस 16, तो क्या आएगा आंसर माइनस 1। सेक वाई क्या होगा, सेक वाई होगा सेक वाई क्या होता है, इधर आएगा सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस, मतलब 12/128 ठीक है। अब इधर कर लेता हूं टेन स्क्वायर वाई, तो बहुत इजी है, टेन स्क्वायर वाई को टेन स्क्वायर वाई रखता हूँ, कॉस स्क्वायर वाई को वन ओवर कॉस क्या होता है बोलो, तो सेक स्क्वायर वाई। टेन वाई क्या होगा, टेन होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, 4/√128 का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर वाई क्या होगा, सेक होगा कॉस का वाई, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस का स्क्वायर स्क्वायर है, बहुत इजी है। 16/128 यहाँ पे आ गया, 144/128 तो इसको माइनस कर देंगे 128, 16 माइनस 144 मतलब आएगा माइनस 128 बाय 128 काटाकुटी कर दो, आएगा आंसर माइनस 1 ठीक है। नंबर 3 भी हो गया, नंबर 3 का ए सॉरी नंबर 3 का भी ओनली ए सॉल्व हुआ ठीक है। अब नंबर 3 का बी करता हूं, नंबर 3 का बी, बी क्या है देखो, इन द फिगर 2, अच्छा डायग्राम दे दिया, तो बनाओ फिगर, बहुत इजी होगा। ए बी सी एक ट्रायंगल है इधर, अच्छा ट्रायंगल नहीं बना, तो बन गया है ए, इधर है बी, ऊपर में सी, बीच में एक पॉइंट होगा जिसको नाम दे दिया डी। अब ए डी को किया जॉइंट, अब ए डी को हम लोग ज्वाइन करेंगे ठीक है। ज्वाइन किया तो वैल्यू दे दो, ए सी है 5, टोटल बी सी है 4। अब ये वाला एंगल होगा थीटा, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम तो हमको पता ही चल गया, हाइपोटेन्यूज अगर 5 होगा, परपेंडिकुलर अगर 4 होगा, तो बेस क्या होगा 3 ठीक है, तो बेस निकल गया।
वेरी गुड। अब हमको कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अब हमको कैलकुलेट करना है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा, लेकिन हम लोगों को अभी ये पता नहीं चला अब ये क्या होगा। ठीक है, सो इधर देखो, इधर राइट एंगल ट्रायंगल, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो पता चल गया ये टू होगा, ये थ्री है, ये टू है, तो ऊपर में भी ये टू ही होगा। तो थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर मतलब क्या आएगा, देखो ए डी इक्वल टू थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर क्या होगा, नाइन ओवर फोर रूट थर्टीन, तो आ जाएगा रूट थर्टीन। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बहुत इजी, टू ओवर थ्री। नंबर टू, नंबर टू है साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और नंबर थ्री बहुत ही इजी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम सबको तो पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो साइन क्या होगा, टू रूट ओवर ऑफ थर्टीन का होल स्क्वायर, कॉस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है थ्री ओवर रूट ओवर ऑफ थर्टीन, इसका भी होल स्क्वायर। सो टू का स्क्वायर होता है फोर ओवर थर्टीन, और यहाँ पे होगा नाइन ओवर थर्टीन, तो देख लेते हैं थर्टीन फोर प्लस नाइन, तो आ गया थर्टीन ओवर, काटाकुटी कर दो आएगा वन, तो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, नंबर थ्री खत्म, अब हम लोग नंबर फोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, फोर का ए, पहले तो फिगर ड्राइंग करना पड़ेगा, तो फिगर ड्राइंग कर लेते हैं। एक लंबा सा इधर है, तो इधर आ गया ए, ए बी सी। ठीक है, बीच में और एक पॉइंट होगा यहाँ पे डी। ठीक है, और इधर डी सी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये वाला होगा 90 डिग्री और ये वाला होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे है एक्स डिग्री, यह है वाई डिग्री, यह नाइन, यहाँ पे है 25, यहाँ पे है 12, तो हम लोग को बाकी वाला कैलकुलेट करना होगा। तो देखो 9 है 12 है, तो ये क्या होगा, बहुत इजी है, ये हाइपोटेन्यूज होगा ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट, तो आ जाएगा बी सी। तो 9 स्क्वायर क्या होता है 81, 12 स्क्वायर क्या होगा 144, सो दैट इज इक्वल टू बी सी। 81 प्लस 144 ऐड करने से क्या मिलेगा, आएगा 225, सो दैट्स अ बीसी, सो बीसी इक्वल टू आएगा 15, सो 15 आ गया। ठीक है, तो देखो तो 15 आ गया बीसी, अच्छा बीसी भी मिल गया हम लोगों को 15, 15। ठीक है, अब ये वाला 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये 15 है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत इजी है, 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर का रूट निकल जाएगा AD,
AD इक्वल टू क्या होगा? AD इक्वल टू होगा, देखो यहाँ पे करता हूँ, AD इक्वल टू होगा 625 माइनस 225, तो आएगा रूट ओवर ऑफ 400, तो आएगा 20, से वाला आ गया 20। अब तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। पहला वाला क्या है, देखो इसको साइड कर देता हूँ, इसको साइड कर देता हूँ। पहले में क्या है, नंबर 1 4a का 2 sin y माइनस कॉस वाई, 2 sin y माइनस कॉस वाई। 2 sin y क्या होगा? sin y, अच्छा sin y मतलब BDC ट्रायंगल में से क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर मतलब 9 और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस होगा 15, ठीक है। कॉस वाई क्या होगा, 12/15, ठीक है ना भाई। अब देखो यह जगह 18/15, अब इधर आएगा 12/15, तो फाइनली क्या मिलेगा, 15, 18 माइनस 12 मतलब 3/15, काटाकुटी कर दो, 5 आंसर, 1/5 आंसर, ठीक है। नंबर 2 sin x, 2 sin x माइनस कॉस एक्स। अब 2 sin x क्या होगा, sin x मतलब ABC ट्रायंगल में से, ठीक है। तो सोच के करना, 15/25, कॉस एक्स क्या होगा, 20/25, तो फाइनली क्या मिला हम लोगों को, 30/25 माइनस 20/25, सो एलसीएम कर लो 25, तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 माइनस 20, तो फाइनली आएगा 10/25। सिंपल काटाकुटी कर दो, 2/5 आंसर आ गया, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई। तो 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, देखो साइन एक्स, तो ट्रायंगल देखो, देख के करना होगा। साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स मतलब 15/25, 15/25 प्लस कॉस वाई क्या होगा, अब कॉस वाई तो ऊपर में सोच के देखा था, ठीक है, 12/15। अब कैलकुलेट करना होगा, ट्वेंटी फाइव एलसीएम, सॉरी 25 और 15 को काटाकुटी कर दो, 15 और 25 को काटाकुटी कर दो, तो आएगा 5 से 3 5, एलसीएम होगा 15, तो इधर आएगा 15, इधर आएगा 9, इधर आएगा 12, सो 15 माइनस 21/15, सो फाइनली क्या मिलेगा, देखो 15 माइनस 21 क्या होता है, -6/15 मतलब 3 से काट दिया 2, 5 माइनस 2/5 होगा आंसर, ठीक है, हो गया। नंबर 4 ये भी थोड़ा बड़ा है, 2 cos x -3 sin y +4 tan x, साइड वाइज करता हूँ, 2 cos x क्या होगा, cos x निकाल देगा, जो cos x हमने पहले ही निकाले थे, क्या होगा, 20/25, 2 into 20/25 -3। साइन वाई क्या होगा, साइन वाई ट्रायंगल देख लो, साइन वाई होगा 9/15,
इंटू नाइन ओवर 15 प्लस 4 10x, 10x क्या होगा देखो, 10x होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 15 है, बेस है 20, 15 बाय 20। अब इसको काटाकुटी करते हैं, कुछ आएगा तो ऑब्वियसली 4 5, 3 से काटे तो 5, 4 से काटे तो 5, 5 से काटे तो 3। ठीक है, तो फाइनली क्या मिला हम लोगों को, 8/5 माइनस 9/5 +3। अब एलसीएम करता हूँ, 5 8 9 15 आएगा -1 -1, तो आएगा 14/5, उसके यही रख दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4A कंप्लीट हो गया, आप करेंगे 4B। फोर बी क्या है देखो, 15 फिर से और एक ट्रायंगल, ए बी सी, यह 3, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है y, यहाँ पे है x डिग्री। अब देखो, तो ए बी सी राइट एंगल एट बी इज राइट एंगल, बी पे है 90 डिग्री, ए बी होगा वाई, बी सी है 3 यूनिट एंड सी है 5 यूनिट, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है साइन एक्स डिग्री। साइन एक्स डिग्री क्या होगा, साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5 हो गया। अब नंबर 2 बहुत ही इजी था, नंबर 2 वाई कैलकुलेट करना है, तो वाई तो ऑलरेडी इजी है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। वाई देखो क्या होगा, 5 है 3 है, तो क्या होगा 5² - 3² मतलब 25 - 9 √16 मतलब 4। तो क्या आंसर आएगा, सो वाई इक्वल टू 4 हो गया, 4 खत्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, और ये वीडियो जो है ना अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।